गुलशने जिंदगी में बहार आ गई। बस ये इतनी आवाज हो, इतने से हम काम चला चला बहार आ गई, बहार आ गई। जिंदगी में बहार आ गई। मैंने अभी तक कहा नहीं, अपनी मर्जी से कह रहे हैं, ठीक है। मैं मतलब मुकम्मल करता हूँ। गुलशन जिंदगी में बहार आ गई, उनके दर की फजा देखते, उनके दर की फजा देखते, खुश्क चेहरे में आई गजब की खुशी, खुश्क चेहरे में आई गजब की खुशी। उसने गारे हेरा देखते, गुलशन जिंदगी में बहार आ गई, गुलशन जिंदगी में बहार आ गई, उनके दर की फजा देखते देखते। अब यहाँ मैं दुआ करता हूँ, जी करे तो आमीन कहना ना करे। या इलाही यही है दुआ बस मेरी, मुझको रहने को मिल जाए शहर नबी, मुझको रहने को मिल जाए शहर नबी, ताकि वक्त अजल दम निकलता के वक्त अजल दम निकलता रहे, उनका गुंबद हरा देखते देखते, उनका गुंबद हरा देखते देखते, उनका गुंबद हरा देखते देखते, उनका गुंबद हरा देखते देखते। गुलशन जिंदगी में बहार आ गई, उनके दर की फजा देखते देखते। अब एक शेर और सुनाता हूँ, देखते देखते। हाँ हाँ सुनिए, हाँ मजमे का हाल देखते देखते। एक शेर और, लेकिन कोई एक भाई कहते यार अलमद। हाँ मैंने हाथ हाथ खाने को नहीं करी, बस कहा कि या गौस अलमदद वही कह सकता है जिस पर गौसे पाक का फैजान होता है। हाँ भाई, ये मैं नहीं कहता हूँ, बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं कि मेरा नाम मेरा गुलाम उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं। ये कौन कहते हैं? वलियों के वली कहते हैं। तो जिन पर कर्म हुआ वो बोल पाए, जिन पर नहीं हुआ वो नहीं बोल पाए, इसमें कोई झोल झाल नहीं है। लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ मेरा सारा भाई इसमें शामिल हो जाए, एक बार हाथ उठाए कहते या गौस अलमदद। अब मैं एक बंद सुना देता हूँ, ये मैं बहुत रनिंग इसलिए नहीं करूँगा कि माइक की कंडीशन वो नहीं है जो होना चाहिए। जो खाकी पर मैं अब्दुल जलील साहब ने किया था, तो जो उसकी सेटिंग थी लाजवाब, मैं कभी एक बार भी नहीं थका। लेकिन मैं भी चला करता हूँ ना, मैं माइक वाले को थका दूंगा, मैं नहीं थकूंगा चाहे जितना खराब माइक। वैसे फिर भी ठीक है, काम चलाने के लिए बहुत बढ़िया है। एक बार जोर लगाऊंगा, थोड़े से देख लूंगा, आपकी पोजीशन अगर बढ़ गई होती तब तक मेरा पोजीशन और ऊंचा हुआ होता। लेकिन आप अगर लखनऊ के हैं तो हम गिरिडीह के हैं क्या? हाँ हमारा गिरिडीह लखनऊ से कम है, रहिए आप लखनऊ से। एक चचा थे, ये मुहर्रम में 10 बजे प्रोग्राम होता है, तो यहीं हमारे गांव के बगल में केशवारी है वहीं पर, तो उसमें दिया जाता है टॉपिक
कि आपको करबला पे बोलना है, लेकिन शुरुआत जो है एक से दस तक में मदीने शरीफ से इमाम हुसैन कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कब खेले, कितने बड़े हुए, उनके वालिद का नाम क्या, और वहाँ से सफर उन्होंने कैसे शुरू किया, ये टॉपिक होता है। तो हम जिस दिन गए उस दिन जलसा खत्म हो गया, हनो मुहर्रम को गए तो किनारे में पूरा हमको ले गया, और उधर जा चढ़ा बढ़ा जितना मराना है लोग कोई करबला मतलब वो मदीना शरीफ से इमाम हुसैन चल अब थोड़े ही दूर ले जाके छोड़ दे रहा था। एक मौलाना आया थोड़ा दूर ले गया उसके बाद में छोड़ दिया, फिर दूसरा आया वहां से उधर थोड़ा सा लेके दिया छोड़ दिया। और अभी तक लेकिन मैंने उसके कहने का मकसद था कि करबला के जंग कोई बताया ही नहीं, बोले तलवार फरसा अभी तक कोई निकालबे करे, कोई मौलाना तलवार फरसा निकाल को लड़ैया होबे करे, कौन मुहर्रम के तक न। तो ऐसा ऐसा भी लोग है, दास्ताने करबला सुनना चाहिए। अल्लाह चाहे तो आप लोग भी खुराफात नहीं करके 10 रोजा प्रोग्राम कीजिए, और किसी भी आलिम से टॉपिक दीजिए कि आपको मदीने से थोड़े दूर तक बोलना है जितना आपका टाइम रहेगा, और वहाँ से दूसरे आलिम बोले तीसरे बोले। यहाँ मैं गारंटी देता हूँ बहुत कम लोग होंगे जिन्हें मालूम होगा कि इमाम हुसैन कब पैदा हुआ, या हुसैन करेगा, लेकिन कब पैदा हुए मालूम नहीं है। मालूम मुहर्रम में बुलाओ तो बताएंगे। मैं जो शेर पढ़ रहा था वो सुना देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह चूंकि 1:09 हो गया है, अल्लामा इम्तियाज साहब का हुक्म था कि 1 बजे तक चलना है, तो हमें भी ट्रेन पकड़ना भैया, हमको घर नहीं जाना, हमको और दूसरी जगह जाना है। गुलशन जिंदगी में बाहर आ गई उनके दर की फजा। अब देखते देखते एक शेर सुनो, कह दो या गौस, जिन पर कर्म होगा वो हाथ उठा पाएंगे, नहीं होगा कोई मसला नहीं, उनका मामला उनके साथ है, मेरा मामला मेरे साथ है। या गौस अल मदद, सोचिए सोचने का है मौका मिला। हमको लगता है यही लोग कम है और भारी है, आप लोग की तो कोई बातें नहीं, वीआईपी कोटा है, बोलूंगा भी नहीं। एक दो भाई है जो टोपी लगाया, बाकी लोग तो भाई मुर्गा कटिंग कटिंग क्या करना, आके बैठ गया यही बहुत है। मैं यहाँ से शुरू होता हूँ, वो भी कोटा आप ही लोग में दे देता हूँ। सोचिए सोचने का है मौका मिला, गौसे आजम का रुतबा है कितना। ये आबादी कौन काम के है रहे? बताओ इतनी आबादी हो करके इतने कम लोग आप पर भारी पड़ रहे, इसी को कहते हैं लाइक और इधर कहते हैं डिसलाइक। सोचिए सोचने का है मौका मिला, हौसे आजम का रुतबा है कितना बड़ा, हौसे आजम का रुतबा है कितना बड़ा। तुम भी इसी कहा जब मेरे गौस ने मुर्दा जिंदा हुआ देखते थे, हुआ देखते मुर्दा जिंदा हुआ, देखते मुर्दा जिंदा हुआ। पूरी आवाज इधर से है, अब अल्लाह जाने चुपचाप है, कोई बात नहीं। एक बंद और आना सागर आप लोगों ने देखा है? देखा है तो आप सुभान अल्लाह कह सकेंगे, नहीं देखा है तो फटैया तो दिखवे किए हुए, तभी भी आप सुभान अल्लाह कह सकते। अब शेर सुन लीजिए, कहिए या ख्वाजा अल मदद, सुनिए। अहले तहकीक ख्वाजा की खिदमत में है,
हैरत में है आज तक अगले साइन से हैरत में है आना सागर को कूजे में बुलवा लिया आना सागर को कूजे में बुलवा लिए कैसे ख्वाजा पिया देखे दे फैजाने आला हजरत की बात आई आला हजरत की बात आई तो एक शेर सुनिए आजकल सोशल मीडिया पे एक शेर मेरा बहुत वायरल हो रहा है मेरे पास व्हाट्सएप में है इन सब पढ़ने क्या जरूरत है हमारे तुम्हारा बाप रखा जाता है उसी टाइप का एक शेर पढ़ता हूँ कुछ लोग एकदम नेटवर्क एरिया से एकदम बाहर हो चुका है मैं एक शेर पढ़ देता हूँ तमाम भाइयों की मैं दुआएं चाहता हूँ दाद भी चाहता हूँ जो बरेली के नेटवर्क से हट गया फरमाइएगा मैं अगला और बंद करूंगा जो बरेली के नेटवर्क से हट गया समझो उसका कनेक्शन सभी कट गया समझो उसका कनेक्शन सभी कट गया जो भी अहमद रजा खान से सट गया जो भी अहमद रजा खान से सट गया क्या से क्या हो गया देखते देखते क्या से क्या हो गया देखते देखते गुलशन जिंदगी में बाहा आ गई उनके दर की वजह अब अब्दुल जलील भाई अच्छा एक बात बता दूं चलते चलते मैं जैसे गाड़ी से हिल किया ना तो बहुत प्यार से लोग बोलता है तो जलील सेठ बोलता है नहीं बोले जलील वाई वाई हाँ सुन लो मसला बता देता हूँ उसके बाद गुनाहगार होगे तुम केवल माय कराम बैठे सुन लो अल्लाह के नाम के साथ अब्द लगाना जरूरी है जैसे अब्दुल कयूम अब्दुल जलील अब्दुल करीम अब्दुल हलीम अब्दुल रहमान ये सब नाम अल्लाह का है तो चाहे तेरा दुश्मन ही क्यों ना हो तुम नाम उसी हिसाब से कौन आया अब्दुल जलील उसके बाद तुम्हारे साथ जो होता है वो करो उससे बहस नहीं है मगर अब्द लगाना जरूरी है वरना गुनहगार होगा और जानबूझ के करोगे तो कुफ्र के नजदीक है सुन लो हाँ जी मसला भी कभी कभी हम बयान करते हैं हाँ जिम्मेदार उलमाए किराम हैं मैंने बयान कर दिया क्या हजरत ये सही है चलिए उलमाए किराम ने पास कर दिया 100% सही है तो इस चीज का इल्म हो हैं इस चीज का ख्याल रखें अब मैं एक बंद पढ़ता हूँ जिसने माँ का दूध पिया है वो हाथ उठाए जो डब्बा पिया है वो घर जाए देखो कितने माँ का दूध पिया है अब कह दे सुभान अल्लाह और जोर से मैंने अब तक बोला नहीं है लिहाजा जिन्होंने माँ का दूध पिया है एक एक कतरों का वास्ता है उसे और जिसने डब्बा पिया है वो डब्बा लेके घर जाए मैं चाहता हूँ पूरा मजमा हाथ उठाए अगर माँ जिंदा है तो उनकी उम्र की दराजगी के लिए माँ अगर कब्र में चली गई तो उनकी मगफिरत के लिए माँ बाप एक हाथ अपने बाप के नाम एक हाथ अपने माँ के नाम उठाओ और कह दो सुभान अल्लाह तेरी की धूप कोई भी साया न था तूफान में कोई
नाना हमके तो पाने में कोई अपना ना था। ऐसे पेचीदा माहौल में आ गई, ऐसे पेचीदा माहौल में आ गई, काम माँ की दुआ देखे दे। गुलशन जिंदगी में बाहर आ गई, उनके दर्द बजा दे के दे देखे दे, उनके दर्द की बजा। एक बार आप लोगों से भी कहें गुलशन जिंदगी